सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बेस्ट 5। भाई दिल्ली की कड़कती ठंड में हम निकल गए हैं दिल्ली के टॉप 5 देसी बर्गर खाने। और जहां बात आ जाती है देसी की, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। मैं भी एक्साइटेड हूं, लेट्स गो। चलो मैं से रुका ही नहीं जा रहा है यार गट्टू। वो क्रंच आ रहा है ना बर्गर में। ये प्रॉपर ठंड वाला खाना है, ठंड वाला। मुझे बहुत टेस्टी लगा ये सच में। हाँ। बर्गर मेरे को चू नहीं करना पड़ रहा। आई थिंक पूरे दिन का सबसे फ्रेश बर्गर है ये। सो गाइस हम आ चुके हैं लाजपत मार्केट में और यहाँ पे हमने एक हिडन जेम ढूंढा है। अफगानी मार्केट, एंड अफगानी मार्केट है तो फिर अफगानी बर्गर भी खाना पड़ेगा। तो हमारा देसी बर्गर है आज अफगानी बर्गर। दो बर्गर कर रहे हैं, एक वेज और एक नॉन वेज। ये बर्गर है, मतलब बर्गर जैसा नहीं दिख रहा, आई नो, बट दिस इज अफगानी बर्गर। ये देखो, बस हमें जो बर्गर कॉन्सेप्ट पता है, बन के ऊपर बन, बीच में पैटी, वो वाला नहीं है इनका। ये है अफगानी रोटी, एंड ये अफगान में से बर्गर बोलते हैं। yes. अफगानी बर्गर के अंदर इतनी सारी स्टफिंग है, चिकन है, कबाब है, अंडे है, सैलेड है, उसके बाद फ्रेंच फ्राइज है, सॉसेज है, सुबह सुबह प्रोटीन इंटेक हो गया पूरा। जो वेज में उन्होंने डाला है, वेज में उन्होंने सेम सैलेड जो नॉन वेज में डाला है वो है, एंड देयर इज वन कबाब जिसको ये बेसिकली आई थिंक फलाफल का टिक्की है वो, जिसको ये वेज कबाब बोलते हैं। वेज में सिर्फ एक ऑप्शन थी, 10 ऑप्शंस नॉन वेज के लिए। आई अंडरस्टैंड, बट मैं ना बड़ी खुश हुई कि वेज में ऑप्शन, वेज में ऑप्शन है। आई कांट वेट नाउ गट्टू। ओ भाई मुझे लगा था स्पाइसी होगा। भाई बट इट्स योर सम काइंड ऑफ डिफरेंट चटनी इज देयर, है ना, है ना। चिकन बॉइल डाला हुआ है इसके अंदर थोड़ा सा फ्लेवर करके, बट ये खाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए, अदरवाइज बहुत टेस्टी है। अपेरेंटली मेरे को लगा था कि जो नॉर्मल बर्गर होता है उससे आसान होगा ऐसे खाना, क्योंकि जब भी मैं खाऊं टमाटर यूं निकल के गिर जाता है, और ये भी मेसी है यार। ये तो उससे भी ज्यादा मेसी है, वो मैं स्टिल मैनेज कर लेती हूँ, मतलब इसमें से सारी चीजें बाहर आ रही है। बट ऑल इन ऑल इट इज अ गुड बर्गर। और ये जो दुकान है ना यहाँ पे तकरीबन 10 साल से है, एंड काफी फेमस है ये वाली शॉप। अगर आप सर्च करोगे इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रखा है, एंड यू नो समटाइम्स जो चीज सबसे ज्यादा वायरल होती है ना वो चीज अच्छी नहीं होती। हाँ, exactly. मगर ये सच में बहुत टेस्टी है, आप आओगे ये खाओगे आपको बहुत बढ़िया लगेगा। देखो 50 रुपए का ये बर्गर है, 150 रुपए का गट्टू का बर्गर है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि देसी का देसी बेस्ट का बेस्ट अफगान में है भाई, इंडिया में वो भी देसी। और नॉन वेज बर्गर आपको खाना स्टार्टिंग 70 रुपए से है, ठीक है, और वेज बर्गर 50 रुपए। तो मैं थोड़ा फैंसी हो गया आज भाई, मैं इसको रेट करूंगा 9/10 में से। फॉर मी इट्स 7/10। वेज के लिए, वेज के लिए 7/10। आई एम श्योर गट्टू ने नॉन वेज खाया तो अच्छा ही है। तो गाइस हम आ गए हैं पीतमपुरा ड्रैगन हट पे, और यहाँ हम खाने वाले हैं अगला देसी चाइनीज बर्गर, और साथ साथ छुट्टे मारेंगे। भाई बहुत ठंड हो रही है दिल्ली में इस टाइम पे, और 2 बज रहे हैं, 2 दोपहर के, और आपको कहीं से लग रहा है 2 बजे, तो 6 बजे का टाइम हो रहा है सुबह। हमारी हिम्मत है आप लोगों के प्यार की वजह से हम इतनी ठंड में खाना खाने निकले हैं। मैं ले रहा हूँ चिकन बर्गर, और गिरीशा तेरा वाला बोला मैंने पनीर मसाला बर्गर। यार मतलब देसी बर्गर के नाम पे दिस इज समथिंग वेरी यूनिक यार। अब ये बस दिक्कत हमें क्या हो गई, अब इस सब में हमें बर्गर ढूंढना पड़ रहा है। मैं से रुका ही नहीं जा रहा है यार गट्टू। इतने स्ट्रॉन्ग वो चाय, देसी चाइनीज वाले फ्लेवर्स आना भाई, मजा आ रहा है, चटकारे आ रहे हैं। और ये बंस ना फ्राइड है क्योंकि देसी है भाई। अब इसको मैं पूरा स्टफ करूंगा। मुझे बहुत टेस्टी लगा ये सच में। तली हुई चीज अच्छी कैसे नहीं हो सकती, वो क्रंच आ रहा ना बर्गर में। भाई देसी के नाम पे कंप्लीट है, क्वांटिटी भी है, क्वालिटी भी है, टेस्ट तो है ही है, और ऊपर से चाइनीज। यार ये जरूर खाने आना, ये आप मिस कर रहे हो, मगर है तब खाने आना जब थोड़ी डाइट वाइट अफोर्ड कर सकते हो बिगाड़ने के लिए, क्योंकि जैसे गट्टू ने बोला दिस इज प्योरली डीप फ्राइड बंस। ये प्रॉपर ठंड वाला खाना है, ठंड वाला। आई विल रेट दिस 8/9, इवन आई विल गिव 8/10 भाई, ठंड बहुत है, ठंड माफ करना, ठंड है, दिमाग काम करना बंद हो चुका है हमारा, देख लो अभी मुंह से धुएं निकल रहा है। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं वेस्ट दिल्ली के दिल में विकासपुरी, एंड हम यहां पर आए हैं गोदावरी बेकरी। देखो हमें वो बर्गर खाना था जिसके अंदर मेयोनीज हो, कैबेज हो, जब तक ये सब ना हो ना तब तक वो बर्गर देसी नहीं होता, स्वाद नहीं आता है। आयो
ये है असली देसी बेकरी वाला बर्गर। और इनका सबसे बढ़िया बात क्या लगी, जैसे आप किसी भी बेकरी पे जाते हो तो ये बर्गर मिल जाते हैं आपको। हाँ। भाई इन्होंने मक्खन भर भर के ग्रिल किया है। मुझे ऐसा लग रहा है ये प्रॉपर देसी बर्गर है, इसमें मेयो है, खीरा है। बर्थडे पार्टी में मिलता है ये वाला बर्गर, जैसे हमारी होती थी, अब तो फैंसी हो गई है दुनिया। यम बर्गर है ये, यम। इसकी एक यूनिक बात है, इसके अंदर तीन बन लगे हुए हैं। हाँ, जो देखेंगे ना बीच में, एक में टिक्की, एक में सैलेड है। जेन्युइनली बता रही हूँ, आज का मुझे बेस्ट बर्गर लगा अभी तक ये। और ये 50 रुपए का है, देखिए 50 रुपए के हिसाब से आई थिंक ये बहुत एक्स्ट्रा है, काफी ज्यादा है। तो ये खाना बनता भाई, जब भी आप विकासपुरी आओ या आपका ऐसा बर्गर खाने का मन है, विकासपुरी आके गोदावरी बेकरी से जरूर ये बर्गर ट्राई करना, अमेजिंग होता है। आई एम लविंग दिस बर्गर, मैं तो गट्टू पूरा खा भी जाऊंगी, पता है हैवी टेस्टी यार, इतना भूख लगी हुई है। क्वालिटी क्वांटिटी के हिसाब से 9 नंबर मिलते हैं इसको 10 में से। आई अग्री विद गट्टू, कंप्लीटली अग्री विद गट्टू। तो गाइस जैसे बात होती है देसी बर्गर की, तो ऐसा हो ही नहीं सकता हम कमल बर्गर सेंटर पे नहीं खाएंगे। कमल बर्गर सेंटर जाने वाले कमल जी इसके चाचा लगते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। इनके बारे में आपको इंटरनेट पे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बट ये हमने दोस्तों से पूछा, उन्होंने बोला भाई यहाँ तो जाओ ही जा, देसी बर्गर का तो ये सिंबल है पूरा। और ये है तिलक नगर में एंड काफी फेमस है, यहाँ पे शाम को आ जाते हैं और बढ़िया बर्गर खिलाते हैं, तो आज हम भी खाएंगे इनके बर्गर। तो ये आ गया हमारे पास बर्गर। यार मेरा ना दिल खुश हो गया ये बर्गर देख के, दिस इज प्योरली देसी बर्गर। इसमें आलू टिक्की है, प्याज है, टमाटर और कच्चा पनीर है, और इनकी होममेड चटनी है, कमल जी की अपनी चटनी, कमल चटनी। इफ यू नो यू नो। यहाँ पे एक अंकल थे, उन्होंने हमें बोला कि हम लोग यहाँ अक्सर आते रहते हैं खाने के लिए, उन्होंने बोला ये कमल बर्गर नहीं है, कमाल बर्गर है। गटू ये बहुत सही लग रहा है यार, मैं इसको पहले टेस्ट करूंगा बिना चटनी, बिना चटनी के। बहुत स्वाद है यार। अब चटनी हो जाए भाई साहब, ये चटनी इतनी स्पाइसी, खट्टी और साथ में मीठी चटनी भी है। मतलब आप लोगों को लगता होगा ना बर्गर केचप के साथ अच्छा लगता है, मेयो के साथ अच्छा लगता है, बेस्ट पार्ट इस बर्गर की है इसमें ना कोई मेयो है ना कोई केचप है, कोई चटनी नहीं अंदर, सिर्फ एक खाली टिक्की है, बाकी प्याज टमाटर है, पनीर है। भाई समा तो बांधा कमल जी ने, कमल जी की चटनी के साथ मजा आ गया। मतलब लोगों को ना संपदा ही नहीं होता कि ये सब भी हिडन जेम्स हैं यहाँ पे, और हमें भी जेन्युइनली नहीं पता था, और आज आप लोगों को भी पता चल गया होगा अगर आप दिल्ली में रहते हो। हम आपको दिखा सकते थे गूगल वाली इन्फॉर्मेशन, बट नहीं, मैंने फोन घुमाया, गिरीशा ने फोन घुमाया, हर किसी को पूछा, फिर जाके हमें पता लगा यहाँ के बर्गर खाओ, ऑडियंस को पता लगे, मजा आ गया भाई। इसको रेटिंग करने की टाइम आ गया। आई विल रेट दिस जेन्युइनली 9 out of 10, मुझे बहुत अच्छा लगा बर्गर। मैं बर्गर को दूंगा 7 out of 10 और कमल जी की चटनी को दूंगा मैं 10 में से 10 नंबर। तो गाइस हम आ गए सुभाष नगर काला बर्गर पे, यहाँ हम अगला देसी बर्गर ट्राई करने जा रहे हैं, आ जाओ। ये काला बर्गर इनका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जो भैया उनके पापा का नाम था काला जी, एंड उसके ऊपर इनका नाम पड़ा है। स्पेशल बात पता क्या है यहाँ की, इनके बंस देखो, ये ओरिजिनल बंस है बट देसी स्टाइल, ये स्पेशल अपने बंस बनाते हैं, ये मैंने पहली बार देखा है। हमने दो बर्गर ऑर्डर किए हैं, एक है आलू टिक्की और एक है फ्राइड पनीर, एंड बेस्ट पार्ट है ये चटनी जो कि देसी बर्गर के साथ ही मिल सकती है, मुझे ऐसा लगता है इसको कुछ बीट नहीं कर सकता। Cheers. यार ये आलू टिक्की एकदम ऐसे लग रहे हैं जैसे घर पे फ्रेश आलू बॉइल करके वही टिक्की बनाई गया है ना। आई थिंक पूरे दिन का सबसे फ्रेश बर्गर है ये, जो क्वालिटी है वो इतनी सुपर फाइन है इस प्राइस के अंदर, सुपर इम्प्रेस। मुझे पनीर वाला भी ट्राई करना। क्रंच, ये बर्गर भी फ्राई किया हुआ, हमने एक फ्राई कराया, एक नहीं फ्राई कराया, लेकिन भैया ने बोला स्पेशली कि फ्राई खाओ यार मजा नहीं आएगा आपको। फ्राइड वाला तो ऑब्वियसली सबसे टेस्टी होगा, बट सीरियसली बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, इसमें ऐसी कोई कमी नहीं है सच में, नॉन फ्राइड में भी, क्योंकि बंस बहुत अच्छे हैं, मुंह में मेल्ट हो रहा है। हाँ। बर्गर में कोई चू नहीं करना पड़ रहा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये वाला, दिन का सबसे बेस्ट बर्गर है। इफ यू आर इन दिल्ली और स्पेशली वेस्ट दिल्ली तो प्लीज यहाँ पे आना, मेरे घर के भी बहुत पास है, आओगे तो मुझे बता देना, मिल लेंगे। गट्टू कभी नहीं आएगा। इसको मैं रेट करूंगा 9 out of 10 जस्ट बिकॉज कि अगर ये बर्गर भी बना रहे हैं ना सिंपल, तो हर चीज का ध्यान रखा हुआ है, स्टफिंग का, प्याज का, खीरे का, और ऊपर से जो बन है इनका, भाई क्वालिटी एकदम एक नंबर। आई विल ऑल्सो रेट दिस 9 out of 10 क्योंकि स्पेशली
इतना फ्रेश बर्गर है, ऊपर से सारे लुक्स लाइक होममेड इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही प्यारा सा कपल सर्व कर रहा है बहुत ही प्यार से। सो गाइस, ये थे हमारे आज के सारे बढ़िया देसी बर्गर। भाई मेरा फेवरेट होता काला बर्गर, और मेरा फेवरेट सबसे ज्यादा वो गोदावरी एंड काला बर्गर। एंड गाइस, अगर आपको लगता है कि हमने दिल्ली में कोई ऐसा देसी बर्गर मिस किया तो प्लीज कमेंट करके बता देना, इसका पार्ट 2 बनाएंगे। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करो, शेयर करो और नीचे कमेंट करके बताना कौन सा हम नेक्स्ट ट्राई करें। प्लस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल द ओवन गाइस।